आपके घर पे आपने बताया नहीं। अच्छा भाई, आपने मॉडल में क्या क्या, मॉडल में इम्पोर्ट किया, हमने एक मॉडल बनाया, एक क्लास बनाया, उसमें हमने फॉर सेल, फॉर रेंट, फिर हमने होम टाइप बताया, हाउस, फ्लैट, प्लॉट, ऑफिस, कॉन्डो, टाउन हाउस, और ये क्लास, और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास अलग होगा, टाइटल होगा, एड्रेस होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा, इसमें हमारे पास चार फील्ड, यानी कुछ भी करेक्टर हो, चाहे वो नंबर हो या कुछ भी हो, उसके हमने लिमिट डाल दी। अच्छा, चार फील्ड के अंदर एक चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी थी पीछे क्लासेस में, वो ये है कि मैक्स लेंथ डालना लाजमी होता है। मैक्स लेंथ, यूनिक, ट्रू, मतलब कि अगर आपने एक सेलेक्ट डाला तो दूसरा सेलेक्ट उसी नाम का यूज नहीं हो सकता, उसमें आपको नीचे ऊपर करना पड़ेगा, यूनिक होना चाहिए। एड्रेस, एड्रेस में हमने डाला एड्रेस, उसके बाद सिटी, स्टेट और जिप कोड, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में हमने एक नई फील्ड डाली, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में आप अनलिमिटेड डाल सकते हैं ये जितने। एड्रेस, एड्रेस में बेसिकली सर लोकेशन होगी ना, कि जैसे गुलशन में है तो इस कौन सी जगह पर है, गुलशन में ब्लॉक 14 है, 13 है, इस तरह से। तो लोकेशन मेंशन होगा या एरिया होगा? ये एड्रेस तो प्रॉपर कोई भी नहीं देता अपना, मतलब तो प्रॉपर्टी एरिया का। होगा, एरिया होगा कि भाई कराची, तो कराची में कहाँ है, बादराबाद या गुलशन, या फिर जो है ना, जो लोकेशन का वो एड्रेस होगा वही डालेगा कि एरिया कौन सा है, वो तो नहीं, और मर्जी है। एरिया तो सर, एरिया तो स्क्वायर फुट होगा ना, कि कितना एरिया, 125 यार्ड का है या वो तो पाँच हम सौ गज का डालने, है? तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम बस सीख रहेंगे, कुछ भी आप कर लें, लेकिन उसके तरह का कार्य होगा वो, तो आप कुछ भी इसकी जगह आप वो एरिया डाल दें। 10 बहुत सारी चीजें करते हैं, आप कोई कहे कि मुझे जिप कोड नहीं चाहिए, तो उसके लिए जिप कोड जरूरी थोड़ी है, क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। हम तो एक नॉर्मल जो काम नॉर्मल होता है मॉडल, हम उसको डिस्कस करें ना। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा जरूरी, हम इसमें कुछ और चीजें कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक और चाहिए, प्राइस। यार ये एक्सप्लेनेशन के साथ इतना टाइम लग जाता है ना, एक कमरे कर लेता हूँ प्राइस, उसके साथ एक और मैं डाल देता हूँ प्राइस के साथ, हमें बेडरूम भी चाहिए, एक होगा बाथरूम भी चाहिए, और उसके बाद आपने बोला कि स्क्वायर फिट भी चाहिए, एक जो हो जाएगा स्क्वायर फिट का, फिर एक और चाहिए कि भाई ओपन हाउस भी है या नहीं है, या उसमें भी एक डेटा टाइप हमारी मौसूल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सारी डेटा टाइप्स इनमें हमारे पास आ जाएंगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है मज़ीद की, या फिर हाँ तकरीबन इसमें सारी डेटा टाइप हमारी आ जाएंगी ना। जिप कोड आ गया, जिप कोड के बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद जिप कोड तो नहीं, प्राइस आ जाएगी ये। अच्छा, इसको हम कर देते हैं प्राइस। प्राइस में हम यहाँ पे हमारे पास प्राइस जो है ना, मस्ट भी हमारे पास नंबर होगा ना, तो मॉडल, मॉडल डॉट के बाद हमारे पास क्या होगा, इंटीजर फील्ड। ये अच्छा तरीका है, इंटीजर फील्ड करो, वो खुद आ जाता है सारा। इंटीजर फील्ड, प्राइस हमारे पास इंटीजर होगी, और इंटीजर में हम यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लैंक खाली। जाहिर बात है कि इंटीजर में हमारे पास मैक्स लेंथ के अंदर हमें कैरेक्टर देना होता है, लेकिन इंटीजर फील्ड में हमें नहीं देना होता। इसी तरह बाथरूम हमारे पास है यहाँ पे, तो हम उसको कर देते हैं बेडरूम, बेडरूम नाम रख देते हैं ना इसका। सर जिप कोड में इंटीरियर फील्ड देनी होगी, इसमें जिप कोड जिप कोड में क्या देना पड़ेगा, इंटीरियर फील्ड जरूरी है, क्योंकि अगर बार चार में ही होता है इंटीजर, अगर दे दे तो वो सिर्फ नंबर देना दे सकता है ना, सर जिप लेकिन कोड अगर कोई देना चाहे कि भाई वहां पे टैक्स भी डाल सकता है ना कुछ। बहुत सारे ऐसे होता है कि पीके, बहुत सारी जगहों पे जो है ना नंबर नहीं होता, वो पीके डाल देते हैं, या वो कुछ एरिया कोड होता है, वो स्ट्रिंग में भी डाल सकते हैं। अच्छा भाई, बेडरूम, बेडरूम में हम क्या करते हैं कि बेडरूम में भी हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं इंटीजर फील्ड। ठीक है भाई, बेडरूम को हम वो कर लेंगे ना, सेलेक्ट कर लेंगे, क्या ख्याल है?
बेडरूम को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि वहां पे आपको बटन दे देंगे फ्रंट एंड में, बल्कि फ्रंट एंड तो तुम लोगों ने बनाना है, मुझे क्यों टेंशन ले, मुझे तो बैक एंड बनाना है, तुम लोगों का काम है, तुम जैसे बनाओ, मैं तो अपना बैक एंड करूंगा। अच्छा बाथरूम, बाथ बेडरूम्स होगा या बेडरूम होगा? इस तरह बाथरूम होगा या बाथ बाथरूम्स होगा? अच्छा बाथरूम, और भाई ठीक, खैर चलो जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं में। अच्छा बाथरूम में हमें, बल्कि हम इसी को कॉपी कर लेते ना, उसमें हम ड्रॉप डाउन डाल देंगे, ड्रॉप डाउन डाल देंगे और उसको हम करवा लेंगे कि भाई इंटीजर हो कि भाई दो तीन चार हो, तुम्हें क्या ख्याल है, क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा इसी तरह हमें एक और फील्ड चाहिए, वो है ये सर आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं जो मिस कर गया हूँ वहां से देख। जी हाँ जी हाँ, आज आपको मिल जाएंगी सर, आपको मैं लिंक भेज दूंगा क्लास के बाद। थैंक यू। अच्छा स्क्वायर फिट में हम अभी फिलहाल स्क्वायर फिट रख लेते हैं, स्क्वायर फिट में, स्क्वायर फिट में हमें कुछ डालना नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ जगहों पे कनाल होता है। हाँ अगर डालने पड़े पड़े ना तो सिंपल इस क्लास को कॉपी कर लेना बस। अगर आपको स्क्योर फिट में आपको चाहिए कि चाहे वो जहाँ पे कहीं मरला होता है, कहीं कनाल होता है, कहीं कुछ और होता है ना, तो बस सिंपल आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे उसकी फील्ड चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्योर फिट है तो हम स्क्योर फिट को टेक्स्ट में ही ले लेते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास यहाँ तक जो चीज़ें हैं, एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर लेते हैं, कर सकते हैं ओपन हैंड स्क्वायर। अच्छा इसमें हम आपको बताया कि हम दे सकते हैं जो वेरिएबल के रूल है वो हम दे, ओपन हाउस, ओपन हाउस में हम इसको रख लेंगे, ओपन हाउस अंडर इसको हम दे इक्वल टू, और बूलियन दे देते हैं। ओपन हाउस मॉडल्स डॉट बूलियन फील्ड, और इसमें हम डिफॉल्ट इक्वल टू फॉल्स दे देते हैं, डिफॉल्ट फॉल्स। अच्छा आसान हो रही है, आसान की बात, इसको कंटिन्यू। अच्छा भाई मेरे ख्याल से यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अब इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, और एक और चीज़ हम ये कि हम पे तस्वीर का मॉडल बना लेंगे, और तस्वीर के लिए हमें सबसे पहले एक तस्वीर का नाम देना पड़ेगा, तो हमें एक मेन फोटो हमें चाहिए होगा, फिर मजीद फोटोज चाहिए होंगे, तो फोटो में फोटो अंडर स्क्वेयर में क्या नहीं हटेगा, बुलियन फील्ड में कहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या है, मैक्स नहीं डाला था, मॉडल डिफॉल्ट फॉल्स डाला था, तो टाइप करते हुए कुछ हमें एरर देता है ना, तो वो उस तरह का कुछ देख लें। अच्छा यहाँ पे फोटो मेन, मेन फोटो में जो है ना हमें हमारे हमें एक डेटा टाइप मिलती है इमेज फील्ड ना, तो हम डालेंगे। अच्छा इसको हम जरा जल्दी कर लेते हैं, इमेज फील्ड ओके, और यहाँ पे इसने हमें बहुत बड़ा स्ट्रिंग दी थी, हमें इसकी नहीं ज़रूरत, हमें यहाँ पे सिंपल ठीक है, इमेज फील्ड हमें मिल गई, इमेज फील्ड के अंदर अच्छा अंदर तो अभी आ रहा है, कहाँ सो गया था,
इमेज फील्ड के अंदर हमें एक चीज चाहिए होती है, हमें अपलोड चाहिए होती है। अरे तू बार बार क्या कर रहा है, हमें अपलोड चाहिए, अपलोड टू। अच्छा अपलोड कहाँ करना है, अपलोड कर दो इसको, हम इसको कर देते हैं। एक फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर में इसको अपलोड कर दो। इमेज फील अपलोड टू, और ये हमारे पास जाएगा, एक फोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर में इसको ये अपलोड कर देगा। तो फोल्डर किस नाम से होना चाहिए, हमारे पास डेटाबेस का नाम क्या था, लिस्टिंग था, तो लिस्टिंग के अंदर इसको एक फोल्डर बनाना चाहिए और वहां पे ये फोल्डर बना के उसमें अपलोड कर देगा। तो टू कर दो लिस्टिंग्स, मेरे ख्याल से ये स्ट्रिंग होना चाहिए इसलिए क्योंकि इसने तो एरर दे दिया। तो यहाँ पे हमें इसको कर देते हैं, और हमने एक और गलती की है कि ये हमने दरमियान में, ठीक है भाई, ये एरर हमारे पास गायब हो गया। अच्छा अब हमें मजीद और फोटोज चाहिए, तो हमें तकरीबन इसी को कॉपी करने, दो तीन चार, इसको मैं कर दूंगा फोटो अंडर स्क्वायर वन, या इसको मैं कर दूं लिस्टिंग, एक फोल्डर बनेगा, नहीं ये हमारे पास बनेगा सर्वर के ऊपर होगा या फिर हमारी जो लोकल प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है वहां पे, जब आप तस्वीर अपलोड करेंगे ना वहां पे खुद बखुद एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। हाँ आप फोल्डर कह के भाई इस फोल्डर में रख दो ना। अब अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर रखना चाहते हो, स्लैश के अंदर और फोल्डर बना लो, फिर स्लैश के अंदर और फोल्डर बना लो, तो इसी तरह चलते जाएगा। अच्छा हमने यहाँ पे फोटो वन फोटो थ्री फोटो वन फोटो टू टू, और यहाँ पे हम फोटो थ्री, तीन फोटोज हमने रख दिए और तीन फोटोज के अंदर हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए होगी, यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए कि भाई ये तो पब्लिश भी तो करना है ना या नहीं करना, तो हम कर लेंगे इसको डिफॉल्ट, डिफॉल्ट को इसको हम कर दो, डिफॉल्ट क्या करूँ इसको मैं, डिफॉल्ट इसको मैं कर देता हूँ कि भाई तुम इसको पब्लिश कर दे, इज पब्लिश, ये उसी तरह जिस तरह इज एक्टिव था हमने क्या ना, इज पब्लिश पब्लिश्ड, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं डॉट इक्वल टू मॉडल बोलियन फेल होना चाहिए, पब्लिश या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो पब्लिश हमारे पास क्या होना चाहिए, बोलियन फेल, अरे सॉरी बोलियन फेल, और बोलियन फेल में इसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास पब्लिश होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, डिफॉल्ट इसको फॉल्स होना चाहिए ना, डिफॉल्ट पब्लिश नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि डिफॉल्ट में हमारे पास एडमिन उसको अगर अप्रूव नहीं करना चाहता तो वो पब्लिश क्यों हो। अगर एक रियल्टर है और उसने पैसे नहीं दिए और वो ये चाह रहा है कि भाई मैं एडमिन चाह रहा है कि भाई जब ये पैसे दे तो तब मैं इसकी पब्लिश करूँ, तो वो उसको अपने पास रखेगा ना, वो पब्लिश ड्राफ्ट में रखेगा लेकिन उसकी पोस्टिंग तो हो जाएगी। अच्छा एक और चीज़ हमें यहाँ पे हर मॉडल के साथ करनी होती है, वो हमें इसलिए कि लिस्टिंग लिस्ट अंडरस्कोर मैं डालता हूँ डेट, ये क्रिया इसको आप क्रिएटेड डेट कर दें कि भाई ये कब बना है, या इसको लिस्ट डेट कर दें या डेट क्रिएटेड कर दें, मैं लिस्ट डेट के बजाय मैं कर देता हूँ डेट